दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप का पे इस में बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के, के माध्यम के से, से एक अपना जवाब दिया गया है काफी लंबे इंतजार के बाद क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर सुनाया है उसके बाद से एनसीटी के माध्यम से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था और बी और बीटीसी कहने वाले तमाम वो अभ्यर्थी एन के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर एन की अपनी क्या निर्णय है क्योंकि वर्तमान में चल रही कोई भी शिक्षक भर्ती हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो बिहार की हो एमपी की हो छत्तीसगढ़ की राजस्थान की राजस्थान की को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में एनसीटी का जवाब आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर बी शिक्षक भर्ती में पहले से ही एलिजिबल है लेकिन एन का जवाब ना आ पाने के चलते सभी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन था इसी को लेकर अब एन के माध्यम से अपना जवाब दिया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जो एनसी का पुराना नोटिफिकेशन गजट है वो रद्द है कैसे समझ लेते हैं आगे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और रिक्वेस्ट है आप सभी से इस वीडियो

वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर तो डाल दिया था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी थी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के बाद से एनसीटी ने जब अपना कोई जवाब नहीं दिया तो इसको लेकर एक आरटीआई डाली जाती है आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी जाती है कि भाई जो टीचर वैकेंसीज है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है इसी को लेकर यहाँ पे छात्रों के माध्यम से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस मुद्दे को फॉरवर्ड करें और उसके बाद में अपना जवाब दें अब उनके माध्यम से जवाब भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप सभी देख सकते हैं आरटीआई ऑनलाइन के माध्यम से और इसकी आंसर तो वैसे कल रात का लिखा हुआ है लेकिन आज ही आपको देखने के लिए मिला है अब इसके अंदर उन्होंने क्या जानकारी दी है थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं नीचे लिखा हुआ है आप सभी के सामने रिप्लाई आप सभी के सामने लिखा है लेकिन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है उसके बाद अब जो टीचर बनने की पाई के अंदर मिनिमम योग्यता है या जो नई योग्यता है वो क्या होंगी इसके बारे में एनसी अपने ओर से स्पष्टीकरण दे अब इसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर नो सच रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑफिस रिकॉर्ड एन ऐसा उनका कहना है साथ ही नीचे लिखा हुआ है द एप्लिकेंट मे रेफर द एन नोटिफिकेशन डेट 23 आठ 2010 इसके अलावा 2011, 2014 इसके अलावा 19 और 21 ये वो नोटिफिकेशन हैं जिनके माध्यम से शिक्षक भर्ती की योग्यताओं में बदलाव किए गए थे साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ए टीचर एंड टी टी गाइडलाइन डेट ग्यारह तेरह चौदह और इक्कीस ये चार आप सभी के सामने जो नियम है या जो नोटिफिकेशन है वो अभी भी पूरे तरीके से अवेलेबल है जिसके बारे में नीचे आप सभी के सामने लिंक भी दिया गया है जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन और देखने के लिए मिलता है अट्ठाईस जून दो हज़ार अठारह बारह लेकिन 28 जून 2018 की के नोटिफिकेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है समझने और सोचने वाली बात यह है कि एनसीडी के माध्यम से दिए गए नोटिफिकेशन के आधार पर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन में नहीं माना है यानी कि जो मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी जिसमें समझाया था कि एनसीटी ने अपने होम पेज पर से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन हटा दिया है अब एनसीटी के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंडर्स में नहीं आता है यानी कि जो 28 जून 2018 हजार का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको अब एन ने भी रद्द मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इसी के साथ नीचे उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड जजमेंट डेट ग्यारह आठ दो सिविल अपील जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है उसमें वो बताते हैं कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसको यहां पर डिलीट कर दिया या फिर उसको रद्द कर दिया कर दिया है एनसीटी हैज नॉट लेट डाउन द मिनिमम क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज साथ ही उनके माध्यम से पूछा गया था कि क्या एनसीटी कोई सब्जेक्ट वाइज योग्यता बनाती है तो उसको लेकर उनके माध्यम से मना कर दिया गया स्पष्ट शब्दों में अब मुद्दे की बात क्या है वो आपको समझ लेनी है मुद्दे की बात यह है कि एनसी से जवाब मांगा गया था मिनिमम योग्यताओं के बारे में और मिनिमम योग्यता पर एनसी ने जवाब दाखिल किया है कि जो एनसी का नोटिफिकेशन था 28 जून 2023 का उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है तो उस नोटिफिकेशन को हटाते हुए सिर्फ ये तीन चार नोटिफिकेशन बचते हैं, जिसके आधार पर टीचर बनने की योग्यता निर्धारण होगी यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो यही वो नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर जो भी इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें शिक्षक बन सकते हैं अब इन नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको बता दूं 2010 और 2011 के दोनों नोटिफिकेशन बीएड के लिए भी हैं जिसमें 2010 और ग्यारह में बीएड को शामिल किया गया था प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जहां पर बीएड प्लस बीज कोर्स की बात की गई थी क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये था कि 2010 वाले जो बीएड उनको ही बाहर कर दो 2011 में जो भी हुआ था तो उन सभी को बाहर करने की भी मांग कर रहे थे लेकिन एनसीटी के माध्यम से अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया है कि दो और ग्यारह वाले जो बी के नोटिफिकेशन है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

लेकिन जो काम की बात है वो आप सभी को इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है पचास परसेंट अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंदर शिक्षा शास्त्र में वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो नीचे इसको लेकर थोड़ी सी डिटेल में और भी जानकारी दी हुई है आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं जैसा कि नीचे लिखा हुआ है बी के बारे में इसके अलावा बीसीएड के बारे में बी के बारे में या जो भी यहाँ पे योग्यताएं होती हैं प्लस यहाँ पे बताया गया कि जो बी वाले अभ्यर्थी थे उनको ब्रिज कोर्स करवाते हुए जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की द्वारा मान्यता प्राप्त तो शिक्ष माह का विशेष परीक्षण प्राप्त कर लें यानी कि जो बी वाले अभ्यर्थियों को लेकर बात लिखी हुई है कि वन टू फाइव की यहाँ पे बात की गई है कक्षा एक से लेकर पाँच तक के लिए यहाँ बी भी लिखा है बी भी लिखा है बी भी लिखा है तो इनके लिए योग्यता के बारे में बताया गया है कि एक जनवरी दो तक पात्र होंगे बस शर्त है कि वह नियुक्ति के छह महीने दो साल के अंदर छह महीने का बेज कोर्स कर लें जिसकी जानकारी आपको पहले दे दी है इसी तरीके से अगर बात की जाए दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में तो वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है उनतीस जुलाई दो का जिसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है दो वर्षीय डिप्लोमा जिसकी जानकारी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दी प्लस यहाँ पे भी बीएड को लेकर वही जानकारी दी गई जो आपको पहले बता दी गई थी क्योंकि बीएड प्लस सिक्स मंथ का जो बेस कोर्स है वह कह लें जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक वर्षीय स्नातक प्लस बीएड उत्तीर्ण किया हो तो जनवरी दो तक कक्षा एक से लेकर पाँच तक के लिए नियुक्त किए जाने वाले पात्र होंगे वह शर्त है कि नियुक्ति के बाद वह प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद की मान्यता प्राप्त छः महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लें यानी कि एनसीटी के, के माध्यम से अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट बता दिया गया है कि जो योग्यताएं बची हुई हैं वो सिर्फ अब यही बाकी हैं 2010, 11, 13, 14, 19 उन्नीस वाली लेकिन जो 18 वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है एनसीटी के माध्यम से खुलकर कोई नोटिफिकेशन जारी न करते हुए एक आर के जवाब में उन्होंने बताया है कि अट्ठाईस जून दो का नोटिफिकेशन रद्द है और ये वो सारे के सारे नोटिफिकेशन थे जिसमें आपको अट्ठाईस जून दो का नोटिफिकेशन हटाते हुए बाकी के सभी यहाँ पे मान्य किए गए हैं एनसीटी के माध्यम से फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर एनसीटी की तरफ से दिए गए जवाब के बारे में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए